कांग्रेस का मिशन 2024 आरक्षित सीटों पर नई रणनीति। कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्रों में नई लीडरशिप तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। पार्टी ने इसके लिए 50 संसदीय क्षेत्रों में लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के लिए समन्वयक नियुक्त किए हैं। अपने अभियान के जरिए कांग्रेस पार्टी ने उन सीटों पर फोकस किया है जहां उसे बंपर वोट मिलते थे, लेकिन परंपरागत वोट बैंक छिटकने से पार्टी को नुकसान हुआ है। इन सीटों से अलग अलग राज्यों की वो सीट शुमार हैं जो एससी व एसटी के लिए आरक्षित हैं। इस अभियान के जरिए कांग्रेस मिशन 2024 के लिए जुट गई है। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए राजस्थान से इसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित श्री गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर और अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। करौली धौलपुर सीट है, यहाँ पर नियुक्त समन्वयकों ने गंगानगर की जिम्मेदारी मनोज सहारण को दी गई है। इस भूमिका में बीकानेर में संजीव सहारण, भरतपुर में पुष्पेंद्र मीणा को लगाया और करौली धौलपुर सीट पर नटवर सिंह को कोऑर्डिनेटर लगाया गया है। एससी की 3 सीटों पर भी कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर लगा दिए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित दौसा, उदयपुर, बांसवाड़ा में भी पार्टी नई लीडरशिप तैयार करना चाहती है। इसके लिए दौसा में सुनील झाझड़िया, उदयपुर में डॉक्टर विजय बड़ेटिया और बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर मोहम्मद अयूब को कोऑर्डिनेटर लगाया गया है। पार्टी ने लोकसभा की रिजर्व सीटों पर जो कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। दरअसल इन नेताओं को साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए मजबूत लीडरशिप तैयार करनी है। कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक का मानना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोटर रहा है। ये कोऑर्डिनेटर्स अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो पार्टी को मजबूत करने में योगदान दे सके। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजस्थान में 7 रिजर्व सीटों पर नियुक्त कोऑर्डिनेटर्स की भूमिका सिर्फ चुनाव की घोषणा तक ही नहीं बल्कि चुनाव के दौरान भी महत्वपूर्ण होगी। कांग्रेस के थिंक टैंक का मानना है कि लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का सही तरीके से क्रियान्वयन किया गया तो उसके अच्छे नतीजे भी आएंगे और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटों में भी इजाफा हो सकेगा। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।